दुर्ग लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुबोध, क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा दुर्ग में आज? सबसे बड़ी बात है कि आज पाटन विधानसभा क्षेत्र के करेली ग्राम में, ग्राम पंचायत करेली में एक निजी कार्यक्रम में भूपेश बघेल शामिल होंगे और उसके बाद सतनाम भवन में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी हाँ, वहां पर पदाधिकारियों का चयन हुआ है और शपथ लेकर वह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान समाज के कार्यों को समर्पित भाव से पूरा करने के लिए शपथ लेंगे, उसमें विशेष रूप से शामिल होंगे। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो सतनाम समाज के लोग हैं उनकी कुछ मांगे हैं, जमीन को लेकर, भवन को लेकर, और कुछ ऐसे भी प्रतिभावान जो समाज के लोग हैं उनके सम्मान को लेकर तो एक मांग भी रखी जाएगी। और ऐसी उम्मीद है सतनाम समाज के लोगों को कि सीएम भूपेश बघेल अपने स्वभाव अनुरूप उन घोषणाओं को पूरा भी करेंगे, उसकी घोषणाएं करेंगे कि जो मांग है उसको घोषणा अनुरूप पूरा करेंगे। दूसरा एक बड़ी बात है अमनदीप जी कि आजकल जो चुनाव होने लगे हैं ना, आम चुनाव होने लगे हैं, वो बड़े मैनेजमेंट स्तर पर होने लगे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार वार्ड स्तर तक जाकर, गली मोहल्लों में जाकर, बूथों में जाकर, जो बूथ एरिया है वहां पर जाकर न केवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि वहां के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं सही और सही गलत क्या है, पार्टी की रीति नीति क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या हैं और उपलब्धियां इन 9 सालों में क्या क्या हुई। उसी अनुरूप कांग्रेस पार्टी भी अब जो शुरुआत करने जा रही है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र से करने जा रही है और एक एक्सपर्ट लोगों की ट्रेनिंग यहां पर होगी पाटन में। जी हाँ, इसमें अपेक्षित लोग ही रहेंगे जो पदाधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, विभिन्न आनुषांगिक संस्थाओं के, उन्हें ही इसमें इस ट्रेनिंग सेंटर में, इस ट्रेनिंग वाली जगह पे उपस्थित होने दिया जाएगा, प्रेजेंट रहने दिया जाएगा और उन्हें तमाम तरह की चीजें बताई जाएंगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के पैतरे क्या है और हमें किन पैतरों से आम जनता का मन मोहना है, दिल जीतना है ताकि अधिक से अधिक बहुमत पाकर अधिक से अधिक सीटों से प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। और मजे की बात है कि इन ट्रेनिंग सेंटरों में किसी भी नेता के पक्ष में, विपक्ष में ना तो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, न ही कोई पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे। बड़ी बात है, एक मैनेजमेंट जो स्किल होता है उसके तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका संपन्न होगा पाटन में। अब बड़ी बात है कि रेल प्रशासन द्वारा एक परंपरागत जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है जिसको मैनुअली यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, अब वह ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि महज 2 से 5 मिनट में हर सिग्नल ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और इसे और अपग्रेड किया जा रहा है रेल प्रशासन के द्वारा। और दुर्ग से पता जा रहा है कि जो कोलकाता है, माफ कीजिएगा, जो कोलकाम करके एक जगह है और वहां से 265 किलो कलमना नाम की जगह है, वहां से 265 किलोमीटर दूर दुर्ग तक इन सिग्नल के अपग्रेडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के तहत रेलगाड़ियां सरपट पटरियों पर दौड़ेंगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नुकसान के, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें अमनदीप जी, तो दुर्ग पुलिस ने लगातार कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की है। इसी में अब पिछले दिनों फ्लिपकार्ट से, जो एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, उसमें 100 से ज्यादा मोबाइलों के का फर्जी तरीके से खरीद फरोख करने वाले गैंग के कम से कम 6 से 7 लोगों को पकड़ा था, उसी गैंग के और 4 लोगों को फिर से पकड़ा गया है। इस तरह से लगभग 8 लोगों की के नाम इसमें शामिल है जिसमें एक फरार बताया जा रहा है। इन्होंने उस कंपनी को, जो ऑनलाइन सेलिंग कंपनी है, उसको लाखों रुपए का चूना लगाकर मोबाइलें मंगा लिए, लैपटॉप मंगा लिए, ये सभी लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं और 4 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है कि ये गैंग और कहीं किसी जगहों पर, किसी शहर पर या और किसी दूसरे प्रदेशों पर तो काम नहीं कर रहा है। बड़ी बात है। अब इसी तरह से नवई थाना क्षेत्र और भिलाई नगर थाना क्षेत्र की 2 घटना है जिसमें कंपनी में पैसा लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा देने की बात कर ऐसे 2 लोगों को ठगा गया है, जिसमें एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगाई गई है, चूना लगाया गया है और वहीं एक दूसरे व्यक्ति को 45 लाख से भी ज्यादा की रकम का चूना लगा दिया गया है। माफ कीजिएगा, 55 लाख है, 55 लाख से भी ज्यादा की रकम का चूना लगाया गया है। पुलिस इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा पुलिस दुर्ग पुलिस के द्वारा किया जाए। अमन जी, सुबोध जी, मौसम की अपडेट ले लें आपसे, दुर्ग में क्या कुछ स्थिति मौसम की देखने को मिल रही है?
अमनदीप जी, लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि स्थिति गर्मी है, उमस है, हलाकान करने वाली गर्मी है, झुलसा देने वाली धूप है चारों तरफ, पेड़ की छांव देखकर लोग खड़े होने लगे हैं, ठंडे पानी की तलाश सबसे ज्यादा होती है। और इसी बात पे अगर देखा जाए तो दिन भर गर्मी, तपेश, धूप, उसके बाद और शाम को थोड़ी देर के लिए जो पानी गिरता है वह रात के मौसम को और गड़बड़ा देता है। लोग रात में भी काफी परेशान है, बिना एसी कूलर के तो रहना मुश्किल है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो ऐसा कंडीशन, ये ऐसी स्थिति जो है लगातार 3-4 दिनों तक बनी रहेगी, जब तक कि मानसून पूरी तरीके से यहाँ पर ना आ जाए और लगातार बारिश ना हो जाए। अमनदीप जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सुबोध जी आपका।